नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी अनअकैडमी में। मैं हूं आपका दोस्त सुमित। और दोस्तों, भारत के सदन हिस्से से यानी कि भारत के जितने दक्षिण राज्य हैं वहां से एक खबर ऐसी निकल कर आई है कि कई बार इस मामले पे आपने पॉलिटिक्स भारत के अंदर होती हुई देखी होगी, खासतौर पर भारत का जो दक्षिण हिस्सा है वहां पर कई बार वहां पर सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज को पनपाकर उस पर राजनीति करके कुछ पार्टीज जो हैं पावर में आती हैं और फिर अपनी राजनीति उसके हिसाब से चलाती हैं। ऐसे में कई बार ऐसी टेंडेंसीज हमें देखने को मिलती है जब भारत के दक्षिण राज्यों के हिसाब से ये कहा जाता है कि वहां पर सेपरेट नेशन या सेपरेट कंट्री की डिमांड वहां पर हो रही है। और ये पूरा मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि भारत के जो फेडरलिज्म है, भारत की जो इंटेग्रिटी है, उसके लिए फिर ऐसी जो डिमांड्स हैं और इस तरह की पॉलिटिक्स और इस तरह की जो टेंडेंसीज हैं वो खतरे के रूप में सामने आती हैं। तो हमारी जरूरत है कि हम यहां पर देखें कि किस तरह से ये पूरी जो डिमांड है ये यहां पर क्या पूरा मामला है। दरअसल हाल ही में डीके सुरेश नाम के राज्य डीके सुरेश नाम के आपको एमपी मिलेंगे जो कि बेंगलुरु कर्नाटका से आते हैं, ठीक है। और ये कांग्रेस के एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इन्होंने ये स्टेटमेंट कही कि यहां पर दरअसल सदर्न स्टेट जो है हो सकता है इनको सेपरेट कंट्री या सेपरेट नेशन की डिमांड करनी पड़ जाए साउथ इंडिया के स्टेट्स को, अगर इनको फंड जो है एलोकेट टाइम पर नहीं होते हैं, सही से फंड एलोकेशन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, अगर कोई भेदभाव यहां पर होता है तो। और इन्होंने कहा कि हमारे साथ यानी कि साउथ इंडिया के स्टेट्स के साथ मल्टीपल लेवल पर, कई लेवल पर यहां पर इनजस्टिस हो रहा है, ऑल फॉर्म्स ऑफ इनजस्टिस हो रहा है। और ऐसे में अगर ऐसा ही चलता रहा, फंड्स एलोकेट नहीं हुए इक्वली, तो यहां पर सेपरेट कंट्री की डिमांड हो सकता है आने वाले समय में हो जाए। और ये बात इन्होंने इंटरिम बजट के बाद यानी कि जो एक इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का उसके दौरान ये बात इन्होंने बाद में यहां पर जब बाहर आए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हो रही थी तब इन्होंने ये बात यहां पर कही मीडिया पर्सन को एड्रेस करते हुए। यहां पर कांग्रेस का व्यू जो है, जैसा कि आप जानते हैं, पी चिदंबरम जी ने कहा है कि कांग्रेस की ऐसी कोई विचारधारा नहीं है, कांग्रेस का ऐसा कोई यहां पर विचार नहीं है कि ऐसी विचारधारा को समर्थन देती हो कि सेपरेट कंट्री या सेपरेट नेशन की डिमांड करने वाली। हालांकि इस पर राजनीति होना तय है, ठीक है, क्योंकि कांग्रेस के एमपी ने स्टेटमेंट यहां पर दी है, तो जितने भी ऑपोजिशन पार्टीज वगैरह हैं वो सब यहां पर घेरेंगी, तो ठीक है उसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम यहां पर देखेंगे काम की बात क्या है। अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट यहां पर निकल कर आई है वो ये निकल कर आई है कि ऐसी ही पार्टीज जो सेम विचारधारा शेयर करती हैं कि हाँ भाई साउथ इंडिया के जो स्टेट्स हैं उनके साथ यहां पर भेदभाव हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट भेदभाव कर रही है, इस तरह की जो विचारधारा शेयर करने वाली जितनी पार्टीज हैं, यहां पर बात हुई है कि ये पार्टीज एक साथ आएंगी और एक फोरम बनाएंगी, ठीक है। और ये फोरम किस लिए काम करेगा, ताकि साउथ इंडिया के स्टेट्स को रिसोर्सेज का, टैक्स एलोकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्विटेबल यहां पर हो पाए। और दरअसल कहा जाता है कि ऐसी ही डिमांड ऑलरेडी जो यहां पर आपको इकोनॉमिक एडवाइजर दिखेंगे कर्नाटका सरकार के, वो ऑलरेडी ऐसा प्लान रख चुके हैं जहां पर इकोनॉमिक अलायंस ऑफ ऑल सदर्न स्टेट्स की यहां पर बात की गई है, ठीक है। चलिए, यहां पर जो इकोनॉमिक अलायंस है, हम आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये सेपरेटिस्ट टेंडेंसी वाला है, सारे राज्य मिलकर भारत के फेडरलिज्म की यही खूबसूरती है। अगर भारत के जो राज्य हैं उनको कुछ भी मतभेद लगता है, कुछ भी लगता है कि डिमांड उनकी मीट नहीं हो रही है, तो वो सेंटर के आगे अपनी डिमांड रख सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। इवन यहां पर आपने देखा होगा सेंटर स्टेट में और स्टेट स्टेट में कई बार केसेस चलते हैं, डिस्प्यूट होता है, ठीक है। तो अगर यहां पर फोरम बनाने की बात है तो ठीक है, लेकिन यहां पर सेपरेटिस्ट जो कंट्रीज, जो सेपरेट कंट्री बनाने की जो डिमांड है वो आपको देखने को मिलेगा, वो एक पॉलिटिकल गेम यहां पर फिर आपको नजर आती है, ठीक है। लेकिन यहां पर एक मुद्दा आपको ये देखने को मिलता है, अगर यहां पर यह बात की जा रही है कि रिसोर्सेज में समस्या होती है, कुछ शिकायतें हैं, वो बिल्कुल बात जायज है और ऐसा हो भी सकता है, ठीक है, ऐसा हो भी सकता है और देखा भी गया है समय समय पर, क्योंकि ये कंसर्न साउथ इंडिया के स्टेट्स के रहे हैं, जो कि बिल्कुल जायज बात है। क्योंकि यहां पर अब जो बात हो रही है ये हो रही है कि रिसोर्सेज के एलोकेशन की, तो आखिर कौन से रिसोर्सेज के एलोकेशन की बात हो रही है। दरअसल ये बात हो रही है जो टैक्स, जो डिविजिबल पूल ऑफ टैक्स है, यानी कि पूरी कंट्री से जो टैक्स कलेक्ट होता है और जिस टैक्स को राज्यों के बीच में बांटा जाता है उसमें कितना हिस्सा साउथ इंडिया के स्टेट्स को कैसे मिलता है, ये उसके ऊपर पूरा विवाद है। अब ये जो टैक्स कलेक्शन होता है और उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविजिबल पूल जो ऑफ टैक्स जो है, ये किया जाता है फाइनेंस कमीशन के एक फॉर्मूले के द्वारा। तो फाइनेंस कमीशन हर पांच साल में प्रेसिडेंट के द्वारा गठित की जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 280 के अंदर ये बात कही गई है कि प्रेसिडेंट हर पांच साल में एक फाइनेंस कमीशन का गठन करेंगे, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इस बॉडी का काम ये होता है कि क्या करेगी, ये बॉडी फॉर्मूले बताएगी, ऐसे फॉर्मूले बताएगी कि भाई किस आधार पर आपको राज्यों के बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में,
और स्टेट और स्टेट के बीच में पैसे का बंटवारा, टैक्स का बंटवारा आपको करना है। इसे कहते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन सेंटर और स्टेट के बीच में टैक्स का बंटवारा, और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स कि स्टेट और विद इन द स्टेट्स, अमंग द स्टेट्स आप उसमें टैक्स का बंटवारा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन को बताती है कैसे यहां पर करना है। और 15th फाइनेंस कमीशन 2017 में एनके सिंह इसके चेयरमैन थे, इनके चेयरमैनशिप के अंदर ये गठित की गई थी। उसके अलावा इसका जो टर्म है वो 2025-26 तक है, यानी कि 2025-26 तक भारत का जो टैक्स का पैसा है वो कैसे राज्यों में बंटवारा होगा, कैसे डिवाइड होगा, उसका फॉर्मूला जो बताया था वो फाइनेंस कमीशन 2017 में जो गठित हुआ था एनके सिंह जी की चेयरमैनशिप में, वो बता रही है यहां पर कि कैसे 2026 तक यहां पर बंटवारा होगा। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, दरअसल 16th फाइनेंस कमीशन, 16वीं फाइनेंस कमीशन को भी गठित कर दिया गया है, मुझे बताएंगे उनके चेयरमैन कौन है। ठीक है, उनके चेयरमैन बताएंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब अगर यहां पर बात करें कि कंसर्न आखिर क्या है, कंसर्न आखिर क्या है कि भाई राज्यों का जो पैसा बट रहा है, ठीक है, भारत का जो टैक्स का पैसा राज्यों में बट रहा है उसमें चिंता क्या बात है। दरअसल यहां पर मामला शुरू होता है 1971 से। दरअसल 1971 के अंदर भारत के अंदर कई सारे ऐसे मेजर्स लिए गए जिसमें पॉपुलेशन को कंट्रोल किया गया अलग अलग राज्यों में। तो अब यहां पर समस्या ये हुई कि नॉर्थ इंडिया के जो राज्य हैं उन्होंने ये जो मेजर्स थे, पॉपुलेशन कंट्रोल जो मेजर्स थे, इनको उतने अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं किया जितना साउथ इंडिया के स्टेट्स ने इंप्लीमेंट किया। और नतीजा ये हुआ कि 1971 के बाद जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो साउथ इंडिया के अंदर काफी कम हो गई, जबकि नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट्स थे जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी, यहां पर जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी वो उतनी स्पीड से कम नहीं हुई। तो ऐसे में साउथ इंडिया के स्टेट्स का ये कहना है कि भाई जब पॉपुलेशन कम हो जाएगी और अगर पॉपुलेशन के आधार पर आप जो पैसे का बंटवारा करेंगे, टैक्स का जो पैसा है वो राज्यों को डेवलपमेंट के लिए अगर आप देंगे और उसमें पॉपुलेशन को अगर आप काउंट करेंगे एक एज अ फैक्टर, तो यहां पर साउथ इंडिया के राज्यों को नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को कम कर लिया है। ठीक है, और पॉपुलेशन अगर आप क्राइटेरिया बनाएंगे तो जिन लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा है उनको फिर ज्यादा पैसा मिलेगा। और आपने तो बल्कि अच्छा काम किया कि आपने पॉपुलेशन हमने कम की, और ऐसे में अगर हम पॉपुलेशन कम कर रहे हैं तो हमें इसका नुकसान क्यों होना चाहिए। जबकि साउथ इंडिया के स्टेट आपको देखने को मिलेंगे, टॉप 10 जो स्टेट्स हैं भारत की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने वाले, उन स्टेट्स में आपको साउथ इंडिया के स्टेट्स की गिनती आपको यहां पर देखने को मिलती है। एक नीचे जाएंगे, एक स्टेप और नीचे 10वें 11वें नंबर पर आपको केरला भी मिल जाएगा। और इन राज्यों ने क्या करा, 1971 के बाद जो जनसंख्या नियंत्रण जितने मेजर्स थे उन सबको अच्छे से इंप्लीमेंट भी किया। नतीजा ये हुआ कि अगर आप देखेंगे 1971 के बाद उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट थी लगभग 25% आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, हर डेकेड में, ये डेकेडल यानी कि हर 10 साल के अंदर लगभग 25% की गति से उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन बढ़ी है। वहीं पे केरला की हर डेकेड के अंदर, जैसे कि 1971 के बाद 19% हो गई, फिर अगले दशक में 14% हो गई, उससे अगले दशक में 90s में 9% पे आ गई। और अगर 2000 की बात करें, सन 2000 वाले डेकेड की, तो यहां पे उत्तर प्रदेश की आबादी 20% से बढ़ी है, यानी कि हर 10 साल में 20% आबादी बढ़ जाती है। वहीं पर केरला की सिर्फ आपको 4.86% बढ़ती हुई नजर आएगी। तो यहां पर कहना है कि भाई अगर आप पॉपुलेशन को काउंट करेंगे, तो काउंट करना है तो 1971 की पॉपुलेशन काउंट करिए, 2011 की पॉपुलेशन या फिर लेटेस्ट जो सेंसस है उस पर अगर आप काउंट करेंगे, तो ऐसे में क्या होगा, जिन लोगों की पॉपुलेशन बढ़ गई है उनको ज्यादा पैसा मिलेगा, जिनकी पॉपुलेशन, जिन्होंने मेजर्स लिए, कंट्रोल किया, अच्छा काम किया, उनको फिर यहां पर कम पैसा मिलेगा डेवलपमेंट के लिए। तो ये बात यहां पर कही गई, जबकि जीडीपी में कंट्रीब्यूट टॉप 10 में ये भी आपको करते हुए मिलेंगे। अब अगर यहां पर देखें तो यहां पर हमें ये देखना होगा कि पॉपुलेशन एज अ क्राइटेरिया फाइनेंस कमीशन के फॉर्मूले में किस तरह से अभी तक यूज होता आया है। 14th फाइनेंस कमीशन जो कि ये बता रहा था कि 2020 तक पैसा कैसे डिवाइड होगा, 15th फाइनेंस कमीशन जो कि ये बता रहा है कि 2026 तक पैसा कैसे डिवाइड होगा। ठीक है, चलिए, तो यहां पर 15th फाइनेंस कमीशन की अगर आप देखें तो कहता है 15th फाइनेंस कमीशन के अंदर सन 2011 की ही पॉपुलेशन को 15% वेटेज दी गई है, यानी कि जितने भी क्राइटेरिया हैं कि भाई किन आधारों पर आप पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसमें से 15% वेटेज पॉपुलेशन 2011 की दी गई है। यही कंसर्न मेन रहता है साउथ इंडिया के स्टेट्स का कि 2011 की पॉपुलेशन आप मेजर करेंगे तो यहां पर हमारा नुकसान होगा, जबकि 2014 के अंदर, और इसीलिए 2017 में भी काफी इस पर जो साउथ इंडिया के स्टेट्स हैं उन्होंने हंगामा किया था, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था कि भाई ये चीज यहां पर एक्सेप्टेबल नहीं है, इससे नुकसान होगा। ठीक है,
और पॉपुलेशन 1971 की पॉपुलेशन आपको 14th फाइनेंस कमीशन में इस्तेमाल होती हुई नजर आएगी, जिसकी वेटेज 17.5% थी, ठीक है। और 2011 की पॉपुलेशन 14th फाइनेंस कमीशन में भी देखने को मिलेगी। 14th फाइनेंस कमीशन एक ऐसा फाइनेंस कमीशन था जिसके अंदर आपको 1971 और 2011 दोनों की पॉपुलेशन काउंट होती हुई मिलेगी, जबकि 15th फाइनेंस कमीशन में सिर्फ और सिर्फ आपको 2011 की पॉपुलेशन मिलेगी। हालांकि एक चीज अब आपको देखने को मिलेगी कि जब 2015 के अंदर यहां पर 14th फाइनेंस कमीशन बनाया गया था, तब यहां पर 1971 की पॉपुलेशन तो काउंट की गई थी, लेकिन डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस काउंट नहीं की गई थी। लेकिन फिर वहां पर क्या करा, जैसे साउथ इंडिया के स्टेट्स का कंसर्न था कि भाई हमने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है तो ये तो रिवॉर्ड होना चाहिए, ये तो अच्छी बात है, हमें नुकसान क्यों हो पॉपुलेशन घटने का, हमारा पैसा क्यों घटे। तो यहां पर क्या किया गया, आप देख सकते हैं 15 फाइनेंस कमीशन में डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को 12.5% वेटेज यहां पर दी गई है, यानी कि पॉपुलेशन जिन राज्यों ने कंट्रोल की है उनको सरकार थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देगी। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल करने वाले मेजर्स को 12.5% वेटेज यहां पर दी गई है। तो 15th फाइनेंस कमीशन में ये चीज आपको देखने को मिलती है, ठीक है। क्यों? ताकि साउथ इंडिया के जो स्टेट्स हैं इनकी जो डिमांड है इसको यहां पर ध्यान में रखा जाए कि भाई गलत ना हो, यहां पर समस्या यहां पर ना पैदा हो, ठीक है। उसके अलावा यहां पर एक और जेन्युइन मुद्दा जो रहता है इस पूरे मामले में, पॉपुलेशन कंट्रोल के मामले में ही, वो रहता है डिलिमिटेशन का भी। तो ये तो हमने देख लिया कि भाई ये जो भी बात करी सेपरेट कंट्री बना देंगे, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी बातें, ठीक है, इसको एड्रेस किया जा सकता है। आप देखिए यहां पर भी तो एड्रेस करने की कोशिश की गई कि 12.5% बोला कि कोई बात नहीं, आपको एक्स्ट्रा पैसा देंगे, 12.5% वेटेज लगा दी पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स को, यानी कि डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस की। उसके अलावा यहां पर जब भी भारत में सेंसस होता है तब भारत के अंदर यहां पर डिलिमिटेशन होगा, ऐसा आपको देखने को मिलता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, मुझे बताएंगे भारत का कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है ये बात करता है कि हर सेंसस के बाद भारत के अंदर डिलिमिटेशन होगा, यानी कि परिसीमन होगा। ये देखा जाएगा कि लोकसभा की सीटें कितनी होंगी और उसके अलावा विधानसभाओं की सीटें कितनी होंगी। अब यहां पर समस्या ये थी कि यहां पर भी ये कहा गया कि 1971 के बाद साउथ इंडिया के स्टेट ने पॉपुलेशन कंट्रोल कर ली है, ठीक है। और अगर मान लीजिए आज चल के 2021 में मान लीजिए सेंसस हो जाता, या फिर 2031 का सेंसस होता है, मान लीजिए 2031 का सेंसस होता है, ठीक है, और यहां पर जब सीटें होंगी तो रिप्रेजेंटेशन अगर देखा जाएगा कैसे होगा, जिस राज्य में जितनी पॉपुलेशन होगी उसको रिप्रेजेंटेशन भी ज्यादा देना होगा, जिस राज्य की पॉपुलेशन बढ़ गई है अगर तो वहां पर लोकसभा सीटें भी बढ़ जाएंगी, और ऐसे में जिन राज्यों की पॉपुलेशन घट गई है जैसे साउथ इंडिया में तो वहां पे लोकसभा सीटें भी घट जाएंगी। तो ये बात कही जा रही है कि क्योंकि ये जो पॉपुलेशन मेजर लिए गए ये नुकसान यहां पर हो सकता है, इसलिए क्या किया गया 1971 के सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन में कितनी सीट्स होंगी उसको यहां पर फिक्स कर दिया गया, फ्रीज कर दिया गया। इसलिए यह कहा गया कि 1971 के पॉपुलेशन मेजर जब तक नहीं लिए थे तब जो पॉपुलेशन थी उसी के आधार पर नंबर ऑफ सीट जो है लोकसभा की फिक्स रहेगी। इसलिए आज आप देखेंगे आज भी आपको सीट जो है कितनी दिखती है, 543 सीट आपको दिखती है, 543 सीट्स, जबकि संविधान तो कहता है कि हर साल डिलिमिटेशन होगा और रिप्रेजेंटेशन उसके हिसाब से चेंज होगा, लेकिन यहां पर आपको हर साल 543 सीट्स की दिखती है क्योंकि 1971 की पॉपुलेशन के आधार पर इन सीट्स को फिक्स कर दिया गया था। कब? 42nd अमेंडमेंट के द्वारा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था और उसने 1971 के पॉपुलेशन के आधार पर लोकसभा की सीटों को फिक्स कर दिया गया था, ताकि ये ना हो कि जिन राज्यों की सीटें कम हो गई उनकी लोकसभा सीट भी कम हो जाए। अब जाहिर सी बात है जब लोकसभा सीटें कम हो जाएंगी तो रिप्रेजेंटेशन फिर राज्यों में, राज्यों का रिप्रेजेंटेशन वहां पर कम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में यहां पर उसके बाद कई अमेंडमेंट्स और लाए गए, जैसे कि 42nd के बाद आपको 84th अमेंडमेंट मिलेगा, 87th अमेंडमेंट मिलेगा। इन्होंने क्या करा, इस फ्रीज को आगे बढ़ाते गए कि 2000 तक है तो 2026 तक सीटें फ्रीज कर दी हैं, अब 2026 तक सीटें फ्रीज हैं, उसके बाद देखते हैं इसके बाद क्या होगा। तो यहां पर यह भी एक और कंसर्न है, पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर दो समस्याएं हैं साउथ इंडिया के स्टेट की, दो चिंताएं हैं, एक कि टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन में समस्या आती है और दूसरा डिलिमिटेशन के मैटर के मामले में यहां पर चिंताएं हैं, ठीक है। इसलिए आप देखेंगे इन चीजों को आधार बनाकर साउथ इंडिया में कई बार पॉलिटिक्स भी बहुत गरमाई जाती है सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज उभारने के लिए, और सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज के आधार पर वहां पर कई पार्टीज पॉलिटिक्स में भी आती हैं, कई बार भाषा के आधार पर, कई बार रिप्रेजेंटेशन के आधार पर और कई बार टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर। हालांकि इनको सभी हेल्दी तरीके से भारत के फेडरलिज्म के अंदर इसके सॉल्यूशन निकाले जा सकते हैं बहुत ही आसानी से, और
चर्चा से, ठीक है, कई डिस्कोर्स जो है प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं, जैसे इंटरस्टेट काउंसिल इसीलिए बनाया गया है ताकि जो स्टेट्स हैं उनकी चिंताएं यहां पर देखी जा सके, जीएसटी काउंसिल है जहां पर सेंटर स्टेट और बाकी स्टेट आकर अपनी चर्चाएं रख सकते हैं, चिंताएं विषय यहां पर अपनी रख सकते हैं, तो उसके भारत के फेडरलिज्म के साथ साथ ही ये सारी चीजें सॉल्व की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, यहां पर जो भी दोस्त फाउंडेशन बैच के अंदर एनरोल नहीं करना चाहते हैं और चाहते हैं कि कोई ऐसा छोटा कोर्स मिल जाए जहां पर हम अपनी फाउंडेशन स्ट्रांग कर सकें, कोई ऐसा बैच मिल जाए जहां पर हम कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स पढ़े बिना सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटीज पढ़कर अपनी फाउंडेशन को स्ट्रांग करें, तो यहां पर अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव बैच नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, सिर्फ आप यहां पर अपनी फाउंडेशन स्ट्रांग करना चाहते हैं एनसीईआरटीज के थ्रू, तो यहां पर आपके लिए सेपरेट बैच लेकर आया गया है 3999 के अंदर, 55% ऑफ पर ये चल रहा है। आपको कोड लगाना होगा SMK लाइव। यहां पर आप छठी से बारहवीं तक की एनसीईआरटीज पढ़ते हैं और मेरे साथ आप हिस्ट्री की एनसीईआरटीज पढ़ेंगे छठी से बारहवीं तक यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। तो आप अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन बिल्कुल शुरू करने वाले हैं और चाहते हैं कि पहले एनसीईआरटीज अच्छे से हो जाए तो ये कोर्स आपके लिए है, बिल्कुल आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। बाकी टॉप एजुकेटर्स आपको यहां पर पॉलिटी और ज्योग्राफी बाकी सब्जेक्ट यहां पर एनसीईआरटी के पढ़ाएंगे। उसके अलावा सिंगल सब्सक्रिप्शन में अनअकैडमी आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देता है, जैसे कि प्रीलिम्स के कोर्सेज तो देता ही है, क्रैश कोर्स का भी एक्सेस देता है, सीसेट का मिलता है जो कि बाकी जगहों पर अलग से लेना होता है, और टेस्ट सीरीज चाहे प्रीलिम्स की हो मेंस की हो आपको एक्सेस मिलता है। उसके अलावा 50% ऑफ अभी यहां पर चल रहा है, आप जिन भी कोर्सेज में कॉम्प्रीहेंसिव बैचेज में अगर आप एनरोल करना चाहते हैं 2025 के हो 26 के हो, यहां पर 2025 के इंग्लिश और बाइलिंगुअल दोनों में जैसे ही आप एनरोल करेंगे आपको कोड लगाना होगा SMK लाइव और आपको 50% डिस्काउंट पर यहां पर एनरोलमेंट मिलेगा। तो 2025 का स्पेशल बैच लॉन्च हो चुका है जो कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में आपको तैयारी करवाएगा, यानी कि कंटेंट भी इंग्लिश में होगा, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी इंग्लिश में होगा, सरमद मेहराज सर की गाइडेंस में बाकी टॉप एजुकेटर्स आपको यहां पर प्योर इंग्लिश में पढ़ाएंगे। कोड आपको बस लगाना होगा SMK लाइव। उसी तरह से 50% बैच 50% ऑफ चल रहा है 2025 के बैच पे। लक्ष्य बैच जो कि हिंदी मीडियम के दोस्तों के लिए बैच है, इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं, सभी टॉप एजुकेटर्स आपको यहां पर पढ़ाएंगे। कोड आपको लगाना होगा SMK लाइव। ठीक है चलिए, उसके अलावा सिंगल सब्सक्रिप्शन से अब आप कई सारे ऑप्शनल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी के प्रिपरेशन में ऑप्शनल को सिलेक्ट करना एक क्रूशियल डिसीजन होता है, तो अच्छा ऑप्शनल सिलेक्ट करना बहुत सारे बेनिफिट्स आपको दे सकता है। तो यहां पर आप अपनी मनपसंद ऑप्शनल को एक्सप्लोर कर सकते हैं, इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं। कोड आपको लगाना होगा SMK लाइव। ठीक है चलिए, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।